सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला महासचिव मनदीप यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है, जबकि मुलायम सिंह की छोटी बहू जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेता हैं अर्पणा यादव ने कहा है जो मिल गया उसी को स्वीकार करना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इस ऐलान के साथ ही अब मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी सपा फरुखाबाद के निवर्तमान महासचिव मनदीप यादव मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो एक नाम ने सबको चौंका दिया। यह नाम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी पुत्र और धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को मोदी सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजने का ऐलान किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी सपा ने नेता जी को भारत रत्न देने की मांग शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज फरुखाबाद के मनदीप यादव ने भी भारत रत्न देने की मांग उठाई है। विगत दिवस भारत सरकार ने परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा है और मेरा मानना है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा समाज के लिए, देश के लिए किए गए कार्यों का, उनके बलिदानों का, उनकी कुर्बानियों का सरकार ने सही से आकलन नहीं किया है। श्रद्धेय नेताजी को पद्म विभूषण से सम्मान से नवाजा जाना अपर्याप्त है, नाकाफी है। मेरा मानना है कि भारत सरकार श्रद्धेय नेताजी के प्रति दिए जा रहे सम्मान पर पुनर्विचार करें और श्रद्धेय नेताजी जो वास्तव में हमारे लिए रत्न है उनको भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजे और जो नेताजी के प्रति भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानजनक भावना दर्शाना चाहती है वो सही रूप से साकार हो सके। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद।